वो वहां पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? इस वक्त हम रॉक गार्डन में मौजूद हैं, जिसका निर्माण नेकचंद सैनी ने किया था। वैसे ऑन रिकॉर्ड तो ये 1976 माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत की गई थी 1957 से। 1957 से लेकर 1976 तक इसका निर्माण हुआ है, और इसका निर्माण कुछ मतलब उस तरीके से विजन के साथ नहीं हुआ कि किसी ने फंडिंग की हो या कुछ और। नेकचंद सैनी जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और उनका एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो उन्होंने जितना भी सामान यहाँ रॉक गार्डन में जो पत्थर लगाए हैं, वो कहीं मलबे से या इधर उधर से उठा के उस तरीके से इस चीज़ को डेवलप किया है। लेकिन ये जो चंडीगढ़ का फॉरेस्ट एरिया है, ये उसके बीच में उसे रखते गए। 1976 में जब गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो वो इसे डिमोलिश करना चाहती थी, तोड़ना चाहती थी। लेकिन तब नेकचंद सैनी ने इस रॉक गार्डन को आम जनता के लिए खोल दिया, लेकिन फिर पब्लिक ओपिनियन के तौर पर इसे मान लिया गया। इसे एक अच्छे संग्रह के रूप में जो सरकार ने तवज्जो दे दी, और उसके बाद नेकचंद सैनी को 50 लेबर और यहाँ पे एक इंजीनियर की जॉब भी ऑफर की। हालांकि वो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन बाद में सिर्फ इसकी देखरेख के लिए एक अलग से अहदा उन्हें दिया गया, और 1976 के बाद से ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड रॉक गार्डन हो गया। उससे पहले ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का उनका शायद पर्सनल ओपिनियन था। गार्डन के बीच में एक मिनी वाटरफॉल, जहाँ पे लोग तस्वीर खिंचाने का आनंद लेते हुए हैव अ लुक, हैव अ लुक। टू मी ओपन थिएटर काइंड ऑफ थिंग। मतलब बहुत बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का। मतलब एक स्कल्पचर है, डिमोलिश हो चुका था, उसे यहाँ लगाया गया है, आर्ट के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है, और उसके मायने जो हैं वो मेरे अलग निकलते हैं, आपके अलग निकलेंगे। तो आप आइए, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए उस चीज़ को, उस आर्ट को।
पीछे कुआं है, तो जो चंडीगढ़ है यहाँ के आसपास कोई उस तरीके से नदी नहीं गुजरती है, तो ये कुआं है जो इसका एक पर्पजली निर्माण किया गया था ताकि जो यहाँ के जंगली जानवर है वो खुद पानी निकाले और पी सके। तो ये हिस्टोरिकल कुआं है ताकि जंगली जानवर प्यासे ना रहे गर्मियों के टाइम पे, कुएं से खुद पानी निकाले और पी सके। तो मतलब बड़े ही इंटेंस मोटो के साथ इस कुएं का निर्माण यहाँ किया गया था। इसीलिए ये कुआं ज़्यादा गहरा भी नहीं है, ताकि जो जिराफ वगैरह उस वक्त होते थे वो यहीं से पानी पीस के हाथी अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सके। तो बहुत ही विजन के साथ इस कुएं को बनाया गया, ग्रेट टू सी दैट। अब पता नहीं क्यों लोग इसमें रुपए डालते रहते हैं। As you can see, मतलब क्या कला है, क्या अद्भुत नज़ारा है। देखते ही आपका रोम रोम अंग अंग भड़कने लगता है, मतलब तड़पड़ाने लगता है कि ये क्या देख लिया मैंने। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इट्स योर फॉल्ट, नॉट माइन, नॉट इट्स, इट्स योर फॉल्ट। अपने आप को अपग्रेड कीजिए ताकि आप एक आर्ट को अच्छे से समझ पाएँ, उसको गहन चिंतन कर पाएँ, उसे अपने अंदर ले पाएँ। लेकिन वाकई लाजवाब नज़ारा। आइए, डोल म्यूजियम पे फाइनल पहुँच चुके हैं। जो आपने पीछे साइन देखा था डोल म्यूजियम का, उसके बाद से बहुत वो किया, बहुत सारी चीज़ें आई, मतलब क्या क्या नहीं आया पूछिए मत, क्योंकि मुझे याद नहीं है। खैर, डोल म्यूजियम आओ,
रोल न खेड़े ना अपने लिए। जो हेरिटेज है, पहले किस तरीके से लोग रहते थे, काम करते थे, उसको दर्शाया गया है। आजकल इनमें से बहुत सारी चीज़ें जैसे ओपन में पाठशाला इस तरफ जैसे उसका वर्णन किया गया वो ख़त्म हो चुकी है, तो हमारी हेरिटेज को इन डॉल्स के थ्रू माध्यम से दर्शाया गया। जैसे पहले कैसे सूप काटा जाता था चरखे का इस्तेमाल करके, तो अभी उस तरीके से साथ में यहाँ से आटा पीसने के लिए जो है हाथ की चक्की होती थी, और इस तरीके से जो हमारा बेसिकली गांव का जो कल्चर है वो यहाँ डॉल्स के माध्यम से डमी माध्यम से बताया गया है। पूरा आर्किटेक्चर जो पुराने घर होते थे किस तरीके के होते थे, तो वो आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें वो खुद पता लगाइए बाकी। लिखा हुआ है कि इस पर चढ़ना मना है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने नियम तोड़ने की कोशिश की, इस पर चढ़ी, इसके सर लग गए, वो पत्थर का है, मसलते और 200 की स्पीड में नीचे आ गए। मतलब कुदरत ने जस्टिफाई कर दिया, मतलब जस्टिस कुदरत ने तुरंत ऑन द स्पॉट खड़े पाँव वहीं के वहीं कर दिया कि ऊपर चढ़ना मना है तो मना लीजिए। झूलेगा झूलेगा क्या? मन तो है, लेकिन वो पुरुषों की मर्यादा को रखते हुए मैं नहीं झूलूंगा, क्योंकि हर तरफ सिर्फ लड़कियां या औरतें झूल रही हैं। ऐसे ही हम सपनों को मारते चलते हैं हम अक्सर, इसीलिए हमको पुरुष कहते हैं, आदमी कहते हैं, क्योंकि हम ऐसे छोटे छोटे सपने वो अक्सर कुर्बान कर देते हैं। कटिंग के बाद बच जाती हैं, या फिर हम जो घरों पे कलरफुल टाइल्स लगवाते हैं वो कटिंग के बाद जो बच जाती हैं उनको बड़े बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई करके पक्षियों का रूप दिया गया है, या पीछे मोर बने हुए थे सिर्फ इन्हीं टाइलों का इस्तेमाल करके। तो मतलब जो वेस्ट का जो बेस्ट इस्तेमाल है ना, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। Thank you.
गाल रखी है तो सारा काम जला ले, इतनी पींग गाल रखी है तो सारा काम जला ले, मतलब 380 दमा गणाया। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था हमारा व्लॉग रॉक गार्डन का, यहाँ पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग आएंगे, आनंद लेंगे, रॉक गार्डन में फुल नॉन एज करेंगे। बच्चे जिस दिन आए उस दिन ना आइएगा, आज बेसिकली मंगलवार है तो मोस्ट प्रोबेबली ये मंगलवार को आते हैं, तो आप बुधवार को आइएगा। बुधवार को रंगारंग प्रोग्राम रहता है, धूप अच्छी खिली रहती है, बादलों की आशंका नहीं रहती, बारिश के चांसेस कम रहते हैं, तो आप उस दिन आइएगा जिस दिन यहाँ पे गुलकंद खिले हो, चांद खिले हो, चांद उस तरफ हो, सूरज उस तरफ हो, यहाँ पे समा एकदम रंगीन हो। एंजॉय कीजिएगा मौसम को, वेदर को, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को कोट एंड कोड में। थैंक यू। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो उस वक्त ये धरना नहीं चल रहा था, लेकिन बच्चों की दिली ख्वाहिश थी कि ये चले, तो मैंने इंद्र देव जी के पास फ़ोन किया कि देव जी ऐसा चलेगा नहीं, आप लोग से बारिश कीजिए, तो उन्होंने ऊपर बारिश की पहाड़ों में, तो ये धरना मैंने चलवा दिया है। थैंक्स मी लेटर। घाट मंगवा लिया तो मैं तो यहीं सोऊंगा, लेकिन आप अगर घूमने आए तो आधे दिन का समय निकाल के आए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में आएंगे तो आनंद नहीं ले पाएंगे। घाट ले आओ भाई। मुझे बाहर जाना ये रॉक गार्डन खत्म ही नहीं हो रहा यार, अंत हो गया, अब बंदर पीछा नहीं छोड़ रहे भी। बाहर आ गया, मुझे पूरे ठीक
5 घंटे 27 मिनट 33 सेकंड लगे इसे पाराने में, इतना लंबा है यार। इसमें मत जाना भाई। बहुत थक गया हुआ है, इतना बड़ा रॉक गार्डन। सीन कुछ ऐसा है, मेरे ड्राइवर ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और अब हम जा रहे हैं सुखना लेक। ये ड्राइवर उतर भाई। हाँ, ड्राइवर को उतार दिया है मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट। और अब सुखना लेक राइट देयर मेरे पीछे है, जस्ट बिहाइंड। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ। पहाड़ के बोर्ड लग रहा है भाई। सो आपको नियम कायदों का पालन करना चाहिए हमारी तरह, जैसे हम जेब्रा क्रॉसिंग पे रुके हुए हैं एक अच्छे नागरिक की तरह। पहली बार ही रुके हैं अच्छे नागरिक की तरह, बाकी ठीक है, करना चाहिए। फ्यू आवर्स लेटर स्टिल हम यहीं पर हैं। होगा बत्ती, एक वो इंसान छपा है वो हमारे साथ होली खेलता है, अभी लाल है, थोड़ी देर में हरा हो जाएगा तो तब हम जाएंगे। हालांकि दिन क्रिसमस वाले चल रहे हैं लेकिन उसे खेलनी होली है। अबे हो जा हरा, ला 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 ला। चलो तब तक हम अंताक्षरी खेल लेते हैं। शुरू करो अंताक्षरी लेके, प्रभु का नाम समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। राम 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 आपको गाना है, मैं से गाना, तब तक आप शुरू कीजिए, तब तक वो हरा हो जाएगा। नहीं हो रहा, पब्लिक टूट पड़ी है लेकिन। आपकी एक फोटो खिंचवा दूँ, तो रख रखा ली रंगाल सुखना लेक पर चमचमाती दमदमाती एक फ़ोटो बहुत बेहतरीन है। कमेंट सेक्शन में बताओ खिंचवानी है क्या। पता नहीं, हालांकि सुखना लेक के बारे में ये है कि ये 25 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है और हिस्टोरिकली जिस आर्किटेक्ट ने चंडीगढ़ शहर बसाया था, ली कार्बूसियर, शायद मैं उसका नाम स्पेल ठीक कर रहा हूँ, तो फ्रेंच नेम है, उसी ने ये लेक का डिज़ाइन भी उन्हीं ने तैयार किया था। क्योंकि उस टाइम पर एक स्ट्रीम होती थी सुखना स्ट्रीम जो शिवालिक की पहाड़ियों से नीचे आती थी, तो उसके साथ मसला ये था कि उसके साथ मलबा काफ़ी ज़्यादा बह के आता था तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता था वो काफ़ी चीज़ों को, तो उसकी सेटलमेंट के लिए ये सुखना लेक का डिज़ाइन किया गया था। कि और बाकायदा उसने एक शर्त भी रखी थी जब इस चीज़ को बनाया, इस लेक का डिज़ाइन किया कायदे से ये लेक नहीं है और ये रिजर्वायर है उस स्ट्रीम के लिए, उसके पानी को रोकने के लिए, बहाव को रोकने के लिए, उस मलबे को स्टोर करने के लिए उन्होंने ये शर्त भी रखी थी इसके बाद कि विद टाइम इसके मलबे की सफाई होती रहेगी तो ये मेंटेन रहेगा मलबा और वो बहुत अच्छा भी रहेगा। लेकिन वक्त के साथ उसने इतनी बेहतरीन सफाई नहीं हो पा रही है इसकी, और जो इसकी एक्चुअल डेप्थ थी उसमें लगभग 56% वो भर चुकी है, अब उतनी गहरी ये बची नहीं है। इधर बताऊंगा आगे ना जमा। अभी अभी मैंने गूगल किया है, इसको बनाने के पीछे एक मोटो था फॉर बॉडी एंड सोल,
तो वो बेसिकली चंडीगढ़ के लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो यहाँ आए, इवनिंग स्पेंड करें, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, यंग ओल्ड, हर जनरेशन के लिए, तो उनको एक फील गुड करवाने के लिए इस लेक का निर्माण किया गया था, सुखना लेक। और ये वेटलैंड है। अभी वेटलैंड क्या होता है वो आप गूगल कर लीजिए, हरियाणा में दो हैं, ये यूटी के अंडर आता है, तो ये वेटलैंड है। और इसमें सर्दियों में काफ़ी साइबेरियन पक्षी आते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए भी ये बहुत कुख्यात है। जैसे एक स्पोर्ट होता है रोइंग, केरला में ये काफ़ी फेमस है, लेकिन एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा सुखना लेक है जो उस स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल सुटेबल स्पेस है, सबसे बड़ा है ये एशिया में बेसिकली। उसको क्या बोलते हैं उसके बैटल फील्ड को मुझे पता नहीं, नो आइडिया, बोल दो आई हैव आइडिया बट स्टिल नो आइडिया। देख पा रहे होंगे, मैं और फोकस कर देता हूँ इसके ऊपर, यहीं से माँ गंगा निकलती है। कुछ लोग आपसे झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि ये बादल है, बादल पे लाइट पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप गंगोत्री ही सोच के चलिए, आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, ये गंगोत्री है। कोई ना कोई रील बना रहा है, दैट्स गुड, हम भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो हम क्यों किसी पे ऑब्जेक्शन टाइप, लाइक दिस सिटी वी स्ट्राइक फॉर एक्सीलेंस, गुड गुड कह दी, तो कौन से सोगी बेचारी,